और चलिए जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। 561 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। हालात पर मुख्यमंत्री धामी नजर बनाए हुए हैं। आज सीएम धामी जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे। जोशीमठ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी की ये बैठक भी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। देखिए जोशीमठ में जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, 561 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। आज जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। बीते कल उन्होंने एक बैठक की थी और आज मुख्यमंत्री खुद जोशीमठ जाकर हालातों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ फिर बैठक भी होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। गंभीर मामला, संवेदनशील मामला, जिस पर अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और राज्य सरकार भी। बीते कल बैठक हुई और आज खुद मुख्यमंत्री इस जगह का मुआयना करने के लिए पहुंचेंगे। जोशीमठ के मामले में आज क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद मौके पर जाएंगे। जोशीमठ में हालातों का मुख्यमंत्री धामी पहुंचकर जायजा लेंगे। पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री की देख के मुलाकात होगी। इसके अलावा जांच टीम से मुख्यमंत्री धामी फीडबैक भी लेंगे। जो वहां पर जांच टीम पहुंची हुई है मौके का मुआयना करने के लिए, उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जोशीमठ पर बीते कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वार योजना के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डेंजर जोन को तत्काल रूप से खाली करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने बीते कल की बैठक में यह भी निर्देश दिए, आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया जाए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश बीते कल की बैठक में। प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया कि 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए इन पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे। तो ये कल की बैठक में हुआ, बड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। और लगातार देखिए एबीपी गंगा आपको बता रहा है ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल हालातों में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। हालात बेहतर हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं, इस पर लगातार एबीपी गंगा की निगाहें बनी हुई है। देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचेंगे जोशीमठ में और हालातों का जायजा लेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री का जोशीमठ में दौरा और इससे पहले लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो मौके का मुआयना कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए। जो डेंजर जोन में लोग रह रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाला जाए। अस्थायी रूप से पुनर्वास की व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाए। ये तमाम निर्देश बीते कल हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए थे। एबीपी गंगा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर तस्वीर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त रवि कैंतुरा हमारे साथ जोशीमठ ग्राउंड जीरो जुड़ गए हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे। रवि, आप लगातार जोशीमठ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने खुद देखा है कि लोग किस तरीके से डर के साए में वहां पर जी रहे हैं और वाजिब है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की उसके बाद निर्देश दिए कि डेंजर जोन से तुरंत लोगों को बाहर निकाला जाए, आज मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, क्या लोगों के बीच वहां पर थोड़ा सा डर बाहर आया है या फिर अभी भी वो उसी दहशत में जी रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से लोगों को पुनर्वास करना है और यहाँ से जो डेंजर जोन है वहाँ से बाहर उनको निकालना है, उसके बाद कुछ राहत तो उनको है क्योंकि लोग कई परिवार तो ऐसे हैं जो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगहों पर चले गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी घरों में दरारें हैं जो जोनल और सेक्टर वाइज इसको अलग अलग एरियाज में बांटा जाए और उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को वहाँ न रहने दिया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जो भी जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर ले जाया जाए या फिर जहाँ पर भी व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ करें। अस्थायी पुनर्वास केंद्र के निर्माण की बात भी मुख्यमंत्री ने की है। तो ऐसे में जो लोगों के डर की आपने बात की है, देखिए अभी बहुत ज्यादा डर है। किसी का आशियाना अगर उजड़ जाता है तो वो डर के साए में रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का माहौल है और सभी लोग जो है इस वक्त जो है घर से बाहर है, तो यहाँ का जो माहौल है वो काफी उन लोगों को भावुक कर रहा है। उनको उम्मीदें तो हैं कि सरकार जिस तरीके से कल एक बैठक हुई थी उस बैठक के बाद कुछ उम्मीदें हैं उनको कि उनको अभी कहीं पर रखा जाएगा, उसके बाद जो पक्का मकान है वो भी उनके लिए बनेगा क्योंकि अभी उनके मकान की स्थिति ये है कि वो वहां नहीं रह सकते हैं। सामान जितना वहां से ले जा पा रहे हैं अपना ले जा रहे हैं, बाकी सामान वही है और वो मकान इस तरीके से क्षतिग्रस्त है, हमने कल दिखाया था कि वो मकान जो है दोबारा उनमें नहीं रहा जा सकता। वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकतर ऐसे मकान हैं जिनमें ऐसी दरारें आई हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें रहा नहीं जा सकता। तो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो लोग अभी यहां पर भावुक हैं, उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के आने से, उम्मीदें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री 1 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे, लोगों से वो मिलेंगे जो जहां पर जो दरारें जिन इलाकों में आ रही हैं मुख्यमंत्री वहां जाएंगे।
करेंगे, अधिकारी और जो भूवैज्ञानिक जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से, उनसे फीडबैक लेंगे और साथ में अभी पुनर्वास तो करना ही है फौरी तौर पर राहत मिल सके, लेकिन जो मुख्य है कि जोशीमठ का जो अस्तित्व है, जो शहर है, जो कि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ शहर है, उसको कैसे बचाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट है आगे उस पर क्या किस तरीके से वो बताते हैं कि क्या करना है। ये जीवन भर काम करके जिंदगी भर की कमाई के बाद लोग अपना घर बनाते हैं, और अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने भावुक होना लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों की जिंदगी, सबसे पहले उनको बचाना बहुत जरूरी है। रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री और बसपा नेता याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। याकूब कुरैशी का बेटा इमरान भी गिरफ्तार हुआ है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तारी। मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया याकूब पर। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पूर्व मंत्री और बसपा के नेता याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी, बेटा इमरान भी गिरफ्तार हुआ है। मामला है अवैध मीट प्लांट संचालन से जुड़ा हुआ, और इसी मामले में बेटे और पिता दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनुज शर्मा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए। सनुज, गिरफ्तारी हुई है बेटे और पिता दोनों की, क्या ये पूरा मामला है, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को मेरठ पुलिस ने आखिरकार कई महीनों की दबिशों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली के चांदी महल टर्मिनल थाना इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और दोनों को मेरठ पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए लेकर मेरठ आ गई है। दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों चांदनी महल थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में किराए पर रह रहे हैं, और दोनों को मेरठ पुलिस ने आज सुबह तड़के की बात निकलकर सामने आ रही है कि सुबह तड़के मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ऐसा कि मेरठ में अवैध रूप से जो मीट प्लांट है, उस मीट प्लांट का संचालन किया जा रहा था, और नगर निगम, मेरठ पुलिस, मेरठ प्रशासन की टीम, बाट माप विभाग, एफडी, तमाम जो एफ विभाग थे, खाद्य विभाग, इन तमाम विभागों ने छापा मारा था, और जब देखा था तो अवैध रूप से मीट प्लांट चल रहा था। बाहर की तरफ से मीट प्लांट बंद था। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम भी इस मीट प्लांट को सील कर चुकी थी। तो इसी के मामले में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और मामला ये 31 मार्च का था, और 31 मार्च से ये दोनों जो है गिरफ्तार चल रहे थे, और आखिरकार पुलिस को यहाँ सफलता आखिरकार मिल ही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान पर 50,000 का कुछ पहले ही इनके तीसरे बेटे फिरोज की गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को इनसे गहन पूछताछ में तमाम बातें निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सिद्धवान इसको लेकर बेहद और नाराजगी की उन्होंने जताई थी कि होने के बाद आखिर कैसे गिरफ्तारी नहीं हुई। और है कि 26 जगह पर 85 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको भी मेरठ पुलिस जब्त करने का, यानी कि बड़ी कार्रवाई होगी अब इनके खिलाफ, मेरठ पुलिस एक्शन मोड में। बहुत धन्यवाद सनुज आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोशीमठ में आशियानों का खतरा पैदा हो गया है। एक महिला का दर्द आपको बताते हैं, जिसका पति बीमार है, दो बच्चों की जिम्मेदारी है, मेहनत मजदूरी करके तिनका तिनका जोड़कर आशियाना तैयार किया ही था कि प्राकृतिक आपदा ने उसे भी छीन लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पैसे मिले मजदूरी की, लेकिन अब बेघर हो गई। जोशीमठ के मकानों की जो स्थिति है वो साफ तौर पर ये बताती है कि आशियाने लोगों के उजड़ गए हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जिन पर लगातार दरारें आ रही हैं, लोग घरों को खाली कर रहे हैं। एक ऐसे ही एक घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और देखिए ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इन लोगों को मिला था। लक्ष्मी देवी हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। ये घर इनको मिला था, और लेकिन वक्त के साथ जो है अब उनको इसको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस घर की स्थिति भी उन अन्य मकानों की तरह है जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, और पूरी दरारें हैं, बहुत गहरी गहरी दरारें हैं। अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है, कुछ देर बाद ये और ज़्यादा जो है ये दरारें जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, और धीरे धीरे जो स्थिति है वो ख़राब हो रही है। अगर आप ये भी मैं देखूँगा इसको रख के, तो देखिए ये पूरी तरीके से इधर से उधर ये जा रहा है, इस तरीके के छेद बने हुए हैं। लगाओ इसमें कितनी मेहनत करी होगी हमने, और अभी इस तरीके से हम छोड़ के अपने घर को जा रहे हैं, वो हमारा मन जानता है या हम ही जानते हैं कि हम किस परेशानी में हैं और क्या है क्या नहीं है। अब इसमें तो अभी सामान मैं खुद उठा के मैं खुद लेके जा रही हूँ, तो इस घर पर मैं बोल रही हूँ, अपने सब मकानों को मैंने किस किस तरह से सजाया है ये मैं खुद लेके जा रही हूँ। अभी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, जब खाली कर रही हूँ सामान, तो ये मैं ही जानती हूँ ऐसे।
फिर भी उधर तो आपने देख लिया है क्या स्थिति है क्या नहीं है। आदमी मेरा कुछ करता नहीं है, काम को मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है, मैं झाड़ू बर्तन करती हूँ और इतना अपनी मेहनत से मैंने खुद किया है ये मकान के लिए, मुझे आज छोड़ने के लिए मैं जब अपना भी इस तरह मैं खुद लेके जा रही हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई हमारी तरफ सुनने के लिए राजी नहीं है, खाली स्कूल में रख दिया है, ना खाने की कोई व्यवस्था है ना कुछ है, बस सरकार ये हमें बैकअप बनाएगी ऐसे। बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इस पे सभी लोगों का यही है कि उनके लिए पहले तो शिफ्टिंग बहुत अच्छी जगह पर उनको की जाए ताकि वो वहाँ पर रह सकें, खाने की व्यवस्था उनको वहाँ पर हो, क्योंकि मकान की जो स्थितियाँ हैं यहाँ जो हम देख रहे हैं वो तो फिलहाल ये है कि अब पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हैं और यहाँ पर रहना, इनके आसपास रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जोशीमठ में हालात बहुत खतरनाक हैं। घरों के अलावा खेतों में भी दरारें आ चुके हैं और लोग पूरी तरह से दहशत में, आसपास के घर खाली करवा दिए गए हैं क्योंकि लोगों को डर है कि कभी भी जमीन धंस सकती है, घर गिर सकता है। जोशीमठ शहर के मैं उस इलाके में हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। आप इधर देखिए, जो जितने भी ये आपको घर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हैं और इन घरों के पीछे जिन जो होटल हैं और जो यहाँ पर पीछे गेस्ट हाउस बने हुए थे उन सबको बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी जो नीचे के जो कुछ घर हैं यहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरीके की स्थितियाँ हैं देखिए, खेतों में किस तरीके की बड़ी बड़ी दरारें हैं और पिछले लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में इस तरीके से हुआ है कि अचानक इतनी बड़ी दरारें आ गई। ये बहुत बड़ी दरारें हैं जो लोगों को डरा रही हैं और जो लगातार चाहे खेत हो, यहाँ के होटल हो, हर जगह दरारें हैं। लेकिन देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं इस खेत में और ऐसे ऐसे जो और खेत हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे अब ऐसी दरारें जो हैं देखने को मिल रही हैं। वैसे किस तरीके की अभी स्थितियाँ हैं कुछ तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप लोग कहाँ पर रहते हैं, कौन सा घर है आपको? ये है मेरा घर, यही है ये वाला, और ये 3 तारीख से ही जो है बहुत दशा हो रहा है। अभी अचानक से हुआ है या पहले भी इस तरीके की दिक्कतें? पहले कभी यहाँ जो है बहुत दशा नहीं हुआ था। दुख होता है, भला ही अब झोपड़ी पे रह जाएगी, लेकिन सरकारों को इनके तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्थिति हुई किसे, कौन जिम्मेदार है इसका, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। एक एक रुपये आदमी कमाता है, कैसे इकट्ठा करता है और कैसे अपना वो मकान बना रहा है, और आज अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों ने ये स्थिति बना दी जोशीमठ की कि रहना मुश्किल हो गया है। चुनौती बहुत बड़ी है, लोग बिल्कुल दहशत में हैं कि किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन से वो निकल पाएंगे। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।